ठीक है, चलिए आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर ए, फिगर 12.26 डिपेक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक। एक रेसिंग ट्रैक है हमारे पास जिस पे रेस करते हैं, यू नो आपने देखा होगा कभी, जिस पे रेस करते हैं वो इस टाइप का होता है, साइड में वो सेमी सर्कुलर होता है और बीच में इस टाइप का होता है। हमारे पास एक रेसिंग ट्रैक है हूज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, जिसका लेफ्ट और राइट जो है वो सेमी सर्कुलर है, ठीक है, सेमी सर्कल, यू नो हाफ ऑफ सर्कल इज नोन एज सेमी सर्कुलर, साइड में ये सेमी सर्कुलर, दोनों साइड से ये रेसिंग ट्रैक, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। देखिए बच्चों, अगर आप यहां पे देखोगे गौर से तो दो लाइंस है, एक है आउटर लाइन और दूसरे है इनर लाइंस। सवाल कहता है इनर लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 60 मीटर, लेकिन द डिस्टेंस बिटवीन द इनर लाइन यानी कि इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर लाइन पैरेलल लाइंस इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 60 मीटर लॉन्ग। और ये लंबे कितने हैं? 106, लेकिन कौन इनर? ये वाले नहीं, गौर से देखना बच्चों, ये वाले लाइंस नहीं बल्कि इनर लाइंस की बात हो रही है। सवाल यहां से कंटिन्यू में कह रहा है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस। सवाल ए में ये कहता है ये तो पैरेलल है, इनके दरमियान कितनी है? 60 मीटर। पैरेलल लाइन ऐसे दो लाइन को कहते हैं जो आपस में कभी नहीं मिलेंगे, जितना भी हम इनको बढ़ाएंगे एक्सपेंड करेंगे। जैसे जैसे मेरे पास ये लाइन है, दिस इज पैरेलल टू दिस। पैरेलल का मतलब है जितनी डिस्टेंस यहां पे होगी इतनी ही डिस्टेंस यहां पर होगी। सो दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड दे आर 60 मीटर्स अपार्ट, ये एक दूसरे से 60 मीटर दूर है एंड दियर लेंथ इज 106, लेकिन इनर लाइंस की बात हो रही है। इसका मतलब है, और अब आप बोलेंगे सर लेकिन एक मसला है, हमें कैसे पता चलेगा वहां पे फिगर पे कोई निशानी देख रहे यहां से यहां तक 7 है तो 106 है, आपने कैसे लिखा है यहां से यहां तक, ये तो यहां से ये भी लेकर हो सकती है, आपको कुछ नहीं भी होगा ना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा बच्चों, इस वर्ड पे अगर आप गौर करोगे तब लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट कभी ऐसी वाली नहीं होती है, लाइन सेगमेंट हमेशा स्ट्रेट होती है, खबर तो है वो समझ। आपका क्वेश्चन यहां पर होगा सर वहां पे लिखा है द लेंथ ऑफ द इनर लाइंस इज 106, लेकिन आपने सर ये खुद कैसे निशान दिया? मैंने इसलिए ये निशान डाला क्योंकि लाइन जो है हमेशा स्ट्रेट होती है। अगर अच्छा एक ऐसी लाइन है एंड पे थोड़ी सी ऐसी है, क्या इज इट अ लाइन? मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूं, ये मेरे पास एक लाइन है लास्ट में थोड़ी ऐसी जा रही है, कैन वी कॉल इट अ लाइन? ये लाइन नहीं है, व्हाई? बिकॉज लाइन या लाइन सेगमेंट हमेशा स्ट्रेट होती है, तो मैं इसको कंसीडर यहां तक लाइन कर सकता हूं, ये बड़ी पूछनी वाली लाइन, क्लियर हुआ था? इसलिए मैंने ये निशान डाला है जहां पे ये सेमी सर्कुलर बनना स्टार्ट होता है वहां वहां मैंने छोड़ा है इसको, यहां पे मैंने निशान डाला, इसका मतलब यहां से यहां तक जो है ये लेंथ जो है 106 है और यहां से लेके यहां तक जो है 106 है, ये हुआ क्लियर? मैं इसमें इंक्लूड इस वाले पार्ट को नहीं करूंगा क्योंकि लाइन में कभी सेमी सर्कुलर वाला एरिया नहीं आता है, ठीक है ना? तो ठीक है, इनर लाइन की लंबाई है 106 और चौड़ाई है 7। सवाल कहता है फाइंड द डिस्टेंस, पहला पार्ट इसके दो पार्ट है, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज अगर आप देखोगे बच्चों, ये है मेरा ट्रैक, इनके बीच में से दौड़ना है दो लाइन के बीच में से, लेकिन सवाल मुझे कहता है आप डिस्टेंस निकालिए अलोंग द इनर एज। अगर एक आदमी इसके ऊपर चलेगा, इसके इनर एज के ऊपर होगा, इस एज पे नहीं, गौर से सुनो, इस एज पे मान लीजिए यहां से दौड़ना स्टार्ट किया तो इसके अलोंग विद दिस एज, अगर उसने दौड़ना स्टार्ट किया तो इसकी आप डिस्टेंस निकालो। तो बच्चों मैं आसान तरीका आपको बताऊंगा, मैं करूंगा काम यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ है 106, इस जैसी दूसरी लाइन की है तो उसको ये भी कहो, देखो यहां से आएगा ना वो आदमी, तो 106 और 106 इनको ऐड करेंगे और हम करने करना काम ये जो सेमी सर्कुलर दो है, एक ये सेमी सर्कुलर और ये सेमी सर्कुलर, इनको इनको मुझे सर्कमफेरेंस निकालनी है, फिर मुझे करना एक ये दो सर्कमफेरेंस ऐड और प्लस ये लाइन वो होगा डिस्टेंस, क्लियर होगा? मैं मुझे एरिया नहीं फाइंड करना है, ऑफकोर्स मुझे सर्कमफेरेंस निकालनी है इस एज की। मैं करूंगा काम ये लाइन प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, तो वो हो जाएगा मुझे डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, गो क्लियर? यानी कि इस तरह का ये फिगर बन रहा है। अगर आप गौर से देखोगे, एक तो ये एज, एक तो ये एज, ये है 106 मीटर और ये है 106 मीटर, और फिर इसके दो सेमी सर्कुलर, फिर ये वाला पार्ट मुझे निकालना है और ये वाला पार्ट निकालना है, हो गया। फिर मैं करूंगा चारों को ऐड, तो वो हो जाएगा मुझे पहले पार्ट का आंसर, क्लियर हो गया? तो देखिए बच्चों,
बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। सबसे पहले मैं लिखूंगा, अगर हम इसमें देखेंगे पहले पार्ट का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, मैं लिखूंगा सबसे पहले AD इज इक्वल टू EF, क्लियर है? ये दो लाइनें बराबर है, AB इज इक्वल टू EF, दोनों लाइनें बराबर है, सवाल कहता है पैरेलल है और दोनों इक्वल है। मैं लिखूंगा सिंस AD इज इक्वल टू EF, दोनों जो है दैट इज 160 मीटर, कह रहा है इनर लाइंस की मैं बात कर रहा हूं। सवाल कहता है ना, अगर आप देखोगे द डिस्टेंस बिटवीन द इनर पैरेलल लाइंस इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 160 मीटर लॉन्ग, दोनों जो है 106 मीटर 106 मीटर लॉन्ग, तो दोनों जब 106 मीटर है तो इतना मुझे पता चला, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, इनको मुझे लास्ट में ऐड करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे इस सेमी सर्कुलर पार्ट का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, जो इसका सर्कमफेरेंस होगा वही होगा इसका भी, लेकिन सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए मेरे पास होना चाहिए रेडियस मालूम। आप मुझे बताओ यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, 60 मीटर, 60 मीटर, वेरी गुड। मैं लिखूंगा फिर ये जो है 60 मीटर इन दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस, वही मुझे बनेगा डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर, जो मेरा इन दो के दरमियान डिस्टेंस है वही बनेगा मुझे डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर, क्योंकि सेमी सर्कल इन लाइंस के एंड पे बनता है। तो अब मैं आपको यहां पे क्लियर करता हूं, अगर दो लाइन जो है वो 60 मीटर दूर है, 60 मीटर इसके यहां पे सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कुलर का डायमीटर यही 60 बनेगा। अब होता समझ, शाबाश। मैं लिखूंगा वही, मैं लिखूंगा सिनस डायमीटर, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल अगर आप देखोगे वो है मेरा यही 60 मीटर, 60 मीटर। अगर डायमीटर है 60 मीटर, रेडियस कितनी होगी, 60 डिवाइडेड टू डियर फोर रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना, रेडियस है डी डिवाइड बाय टू, तो वो है 60 मीटर डिवाइड बाय टू, वो होगा मेरा 30 मीटर। तो रखी मैंने निकाल के रेडियस, तो अगर रेडियस मुझे निकाल कर है तो अब एरिया, डियर फोर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वेरी गुड। एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या है, सॉरी सॉरी सर, एरिया नहीं सर्कमफेरेंस, ठीक है ना, हमें एरिया फाइंड नहीं करना, हमें करना इसका फाइंड सर्कमफेरेंस, ठीक है ना, ये वाला जो है दैट इज द सर्कमफेरेंस, क्योंकि मुझे ये सर्कमफेरेंस और ये सर्कमफेरेंस जो है ऐड करनी है, फिर मुझे निकलेगा डिस्टेंस अलोंग द इनर ट्रैक कितना है। तो सेमी सर्कल का मुझे निकालना है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है, पूरे सर्कल को सर्कमफेरेंस अगर निकालनी है, मेरा अगर पूरा सर्कल है फॉर्मूला 2 पाया, अगर मेरा सेमी सर्कल है 1/2 या डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हम लिखेंगे फॉर्मूला सर्कमफेरेंस निकालने के लिए 1/2 2 पाई r, ठीक है ना, ये फॉर्मूला करेगी ना, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो मुझे अगर सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना होगा तो फॉर्मूला होती है पाई r, शॉर्ट में तो पाई r, तो पाई के बदले 22/7 इंटू r मैंने अभी निकाल के रखा 30 मीटर, तो यहां पे 7 और 30 का ये कैंसिल नहीं होगा कुछ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 30 660 मीटर डिवाइड बाय 7, ये मुझे निकला एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर। लेकिन इस जैसे कितने सेमी सर्कल है, दो, तो इंट करेंगे दो तो निकलेगा मुझे दो का, डियर फोर सर्कमफेरेंस ऑफ टू सेमी सर्कल्स, मुझे समझ में आ रही बात, तो नाम यहां आप उनको बोलेंगे, ठीक है ना, दो सेमी सर्कल जो है मेरे पास, एक सेमी सर्कल है बी आई ई, ये वाला सेमी सर्कल, ये या पहले उसका बोलो, चलो मैंने इसका बोला बी आई ई, बी आई ई एंड दूसरा है ए आई एफ, ए आई एफ, तो दोनों का, दोनों को निकालने के लिए इसको करो, मैं मल्टीप्लाई 2, ए का मैंने निकाला है, दोनों बराबर है, तो 2 × 660 मीटर डिवाइड बाय 7, यहां पे फिर से मेरा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 × 660 1320 मीटर डिवाइड बाय 7, तो ये होगा मुझे दो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस। अब मुझे ऐड करना है, देखो अब मुझे क्या करना है, मैंने दोनों का निकाल दिया, बच्चों गौर से देखो, मैंने दोनों इसका भी निकाल दिया है, इसका वो मुझे दोनों का निकला है 1320 डिवाइड बाय 7 मीटर।
और मुझे इन दो का है इसका भी 106 ले लेते हैं यहां से यहां तक 106 तो मैं करूंगा दो का पेरिमीटर या दो का सर्कमफेरेंस प्लस ये लाइन तो वो हो जाएगा मुझे डिस्टेंस कितना है अलोंग द इनर ट्रैक क्लियर है ना yes, ये तो आसान है देयरफॉर अब मैं लिखूंगा देयरफॉर डिस्टेंस अलोंग डिस्टेंस अलोंग अराउंड डिस्टेंस Around the inner track, distance around the inner track. तो वो हो जाएगा मुझे एक हो जाएगा AB, ठीक है ना? Plus होगा मुझे FE या EF, ठीक है? Plus मुझे होगा circumference of plus circumference of टू सेमी सर्कल ठीक है ना तो AB प्लस EF कितना है मैंने पहले लिखा है दोनों जो है 106 जितनी लाइन ये है इतनी लाइन ये भी है तो होगा 106 मीटर प्लस 106 मीटर प्लस दोनों का सर्कमफेरेंस मैंने अभी निकाला है 1320 डिवाइड बाय 7 मीटर ठीक है बच्चों अब 106 और 106 212 मीटर प्लस 1320 डिवाइड बाय 7 मीटर ठीक है अब यहां पे कैंसिल फिर से नहीं होगा यहां पे लास्ट पे 2 है यहां पे 7 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 × 212 1484 मीटर प्लस 1320 इसके नीचे अगर कुछ ले तो 1 है हो गया 1320 मीटर डिवाइड बाय 7 मतलब 7 अब ऊपर वाले दो को ऐड 2804 डिवाइड बाय 7 मीटर जो है दैट विल बी द सर्कमफेरेंस अलोंग द इनर ट्रैक ठीक है ना मुझे क्या निकालना था यहां पे अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं अलोंग इट्स इनर एज इनर एज ये क्यों लिखना है क्योंकि इसके दो एज है यहां से भी बंदा घूम सकता है ऊपर वाली एज से लेकिन मुझे देखना इनर एज से ये वाला मैंने इसका देखा यहां से क्लियर हो गया सिंपली इस लाइन को ऐड करना है और दो सर्कमफेरेंस को ऐड करना है तो इनर एज का आपको सर्कमफेरेंस आ जाएगा ये क्लियर हो गया yes, पहले आप ये लिखो उसके बाद हम दूसरा पार्ट करेंगे चलिए अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर सेकंड अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द ट्रैक एरिया ऑफ द पहले हमने क्या निकाला था ये हमने निकाला था डिस्टेंस अलोंग द इनर एज यानी कि यहां से डिस्टेंस इनर एज के ऊपर से कितनी डिस्टेंस है अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द ट्रैक इसका मतलब इससे ये दौड़ने का एरिया है ना द एरिया बिटवीन द टू लाइंस इसको हम कहते हैं ट्रैक जिसपे असल में दौड़ होती है इसका हमें निकालना है देखो बच्चों कैसे निकालेंगे बहुत ही आसान है अगर आप गौर करोगे इसमें दो रेक्टेंगल बनते हैं अगर आप गौर करोगे एक वाला रेक्टेंगल मेरा बनता है ए बी सी और डी ठीक है ना यानी कि जहां तक ये लाइंस आती है सेमी सर्कुलर पार्ट को छोड़ के इस वाले पार्ट को छोड़ के जहां तक मेरी लाइन एंड होती है मान मेरी लाइन ये यहां पे एंड है यहां पे एंड है ये वाली लाइन यहां पे एंड है और यहां पे एंड है जब मैं इनको जॉइन करता हूं ना तो क्या बनता है रेक्टेंगल रेक्टेंगल मीन्स इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है और दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं इसके अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं और तो ठीक है एक मेरा ये रेक्टेंगल बनता है और नीचे वाला एक और रेक्टेंगल बनता है जिसका नाम है ई एफ जी और एच क्लियर मैं निकालूंगा इन दो रेक्टेंगल्स का एरिया और फिर साइड से क्या बचता है मुझे कोई बोल सकता है साइड से मुझे बचते हैं दो रिंग्स बच्चों अगर आप गौर से देखोगे ना इस टाइप के रिंग्स बचते हैं ये वाली रिंग एक है और इस टाइप इस साइड से भी रिंग्स बचते हैं लेकिन हाफ रिंग्स बचते हैं पूरी रिंग इसको कहते हैं रिंग असल में इस टाइप इसको कहते हैं ठीक है ना इसको फॉर्मूला है अच्छा अब मुझे अगर इसका एरिया निकालना हो मैं कैसे निकालूंगा जरा मुझे बताओ मैं बड़े सर्कल का पहले निकालूंगा एरिया फिर छोटे का फिर बड़े से छोटा करूंगा माइनस तो बड़े का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर इसके लिए मैं रखूंगा रेडियस कैपिटल आर तो छोटा इसका मैं रखूंगा स्मॉल आर तो माइनस पाई आर स्क्वायर यहां पे भी पाई पाई निकलेगा कॉमन अंदर रहेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो रिंग की फॉर्मूला मुझे समझ आ गई पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ठीक है ना वरना मुझे अलग से निकालना इसका एरिया फिर निकालना छोटे सर्कल का एरिया फिर करना उससे ये माइनस लेकिन मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकता हूं लेकिन अब अगर मेरे पास हाफ रिंग है इस टाइप की फॉर्मूला इसी को होगी 1 / 2 क्लियर हो गया yes,
पूरे रिंग को एरिया निकालने के लिए जो है वो निकली ये फॉर्मूला मुझे पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब अगर मेरे पास हाफ रिंग है तो डिवाइड बाई टू, या मैं कर सकता हूं यहां पे इंटू वन डिवाइड बाई टू, तो ठीक है। वैसे ही मेरे पास दो रिंग है बच्चों, अगर आप देखोगे ये एक रिंग है ये और ये, मैं इसकी बात कर रहा हूं ये वाला एरिया जो है ये वाला एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये रिंग बनती है और यहां से एक रिंग बनती है, क्लियर हो गया ना। yes, तो मेरे पास फॉर्मूला रहेगी फिर वन डिवाइड बाई टू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लेकिन मेरे पास आर स्क्वायर दोनों वालों होने चाहिए, बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस भी और छोटा वाला सेमी सर्कल जो है इसकी रेडियस भी। मैं लिखूंगा, आप मुझे बच्चों बताओ जो छोटा वाला सेमी सर्कल है इसका डायमीटर कितना है। मैं लिखूंगा डायमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल, वेरी गुड। इनर सेमी सर्कल जो है इसका मैं स्मॉल आर रखता हूं, कितना है इसका डायमीटर, अभी डायमीटर है मेरा, कितना है इसका डायमीटर, वेरी गुड। क्योंकि दो इनर जो दो लाइंस है ना यहां से यहां तक इस तरह सवाल वही से कहते हैं 60, वही मेरा सेमी सर्कल का डायमीटर होगा। तो ठीक है, हो गया 60 मीटर। दियरफॉर रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल फॉर्मूला है डी डिवाइड बाई टू, वो होगा 60 मीटर डिवाइड बाई टू, वो होगा 30 मीटर। ये मैंने पहले पार्ट वन में भी रेडियस निकाली थी, अब मैं निकाल के रखूंगा आउटर सेमी सर्कल का पहले डायमीटर उसके बाद रेडियस, फिर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अच्छा, अब मैं लिखूंगा डायमीटर ऑफ आउटर, उसको हम आउटर कहेंगे, ऑफ आउटर सेमी सर्कल, वो होगा मुझे, अच्छा बताओ बच्चों कितना होगा, मैं आपको बताऊं, क्लियर करूंगा। देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है इधर दो लाइन के दरमियान, 60, आउटर के दरमियान कितनी ये हमें देगा नहीं, लेकिन सवाल मुझे कहता है जो ट्रैक की चौड़ाई है वो है 10 मीटर, समझो सवाल को समझो, ट्रैक की चौड़ाई है 10 मीटर, अगर यहां से यहां तक है 7 और 10 और लगा दो कितने हो गए 70 और 10 यहां से लगा दो 80, तो जो आउटर वाला मेरा सेमी सर्कल है इसका 80 मेरा डायमीटर बनेगा, खबर क्लियर होगा, क्योंकि जो मेरा ट्रैक है इसकी चौड़ाई है 10 मीटर, क्वेश्चन में देखकर है, तो मैं यहां से यहां तक 60 है, 60 और 10 70 और 10 80, तो 80 मेरा आउटर सेमी सर्कल का डायमीटर होगा, और डायमीटर ऑफ आउटर सेमी सर्कल वो है 60 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, होगा क्लियर, वो होगा मुझे 80 मीटर, क्लियर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल वो होगा मुझे 80 मीटर डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, वो होगा मुझे 40 मीटर, तो इसका है 40 उसका है 30, क्लियर हो गया। दोनों का रेडियस मैंने निकाल के रखा, आउटर सेमी सर्कल का भी और इनर सेमी सर्कल का भी। अब मैं करता हूं काम, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रैक, एक ही बार में इसको हालांकि अलग अलग भी निकाल सकता हूं, मैं निकालूंगा इस रेक्टेंगल का एरिया, फिर इस रेक्टेंगल का, फिर इस रिंग का, फिर इस रिंग का, फिर लास्ट पे एड, लेकिन मैं एक बार इसको करूंगा। देखिए हम इसको कैसे करेंगे ताकि आसान हमारा थोड़ा सा सवाल हो जाए या शॉर्ट हो जाए। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रैक बच्चों अगर आप देखोगे वो हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल नाम बताओ इसका, एबीसीडी प्लस एरिया ऑफ नहीं फिर हम कहेंगे कहां किसका हाफ रिंग, इसको बोलेंगे प्लस एरिया ऑफ हाफ रिंग, तो नाम इसका बताओ जो नाम जो है इसका बीसीईएच प्लस, पहुंचे हम यहां पर, अब फिर से आता है रेक्टेंगल आता है ना, मैं इस रास्ते से आ रहा हूं, तो फिर से प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी और एच, ये वाला रेक्टेंगल प्लस फिर से ये वाला रिंग प्लस एरिया ऑफ रिंग हाफ रिंग सॉरी हाफ रिंग है पूरी रिंग नहीं है प्लस एरिया ऑफ हाफ रिंग ए एफ जी और डी, ठीक है ना। तो बच्चों आप बस यहां से अप्लाई कर दो फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आपको मालूम होगा एरिया निकालने के लिए हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ हाफ रिंग की फॉर्मूला मैंने अभी बोला था 1/2 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्लियर, शाबाश। फिर से रेक्टेंगल हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ
प्लस फिर से रिंग हो गया 1 बाई टू इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर? यस सर। क्लियर? शाबाश। तो अब बस लेंगे तो ब्रैकेट, अगर आप रेक्टेंगल दोनों देखोगे दोनों की लंबाई जो है वो है 1/6 मीटर। yes. इसकी लंबाई भी 1/6 और इस वाले की भी, तो चौड़ाई जो है यहां से यहां तक कितना है 10, क्योंकि सवाल कहता है ट्रैक की चौड़ाई जो है 10, तो 10 होगी इसकी ब्रैकेट और लंबाई होगी 106। क्लियर? 1/6 यहां से यहां तक है तो वही रेक्टेंगल की लंबाई है, तो ट्रैक है 10 मीटर चौड़ा तो वही इसकी चौड़ाई है। तो मैं लिखूंगा लेंगिट्यूड ब्रैकेट 106 मीटर, मैं लिखूंगा 106 मीटर इंटू ब्रेड कितनी है 10 मीटर। गुड। प्लस 1 बाई 2 पाई के बदले 22/7 इंटू, मैंने दोनों आर निकाल के रखे, बड़ा आर जो है दैट इज 40 मीटर, तो मैं लिखूंगा ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल में करूंगा 60 मीटर का होल स्क्वायर माइनस 30 मीटर का होल स्क्वायर। क्लियर? ये दो रेडियस है मेरे, इन 40 है, सॉरी सॉरी 40 है मेरा, 40 मैंने निकाल के रखा, कितना 40 इज द रेडियस ऑफ द आउटर सेमी सर्कल, 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फिर से प्लस लेंथ इनटू ब्रेड, रेक्टेंगल मेरा है 106 मीटर इनटू 10 मीटर प्लस 1/2 पाई के बाद ये 22/7 इनटू, यहां पे ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अंदर से मुझे एक और ब्रैकेट यूज करना पड़ता है, तो आर स्क्वायर के बदले फिर से 40 मीटर का होल स्क्वायर माइनस 30 मीटर का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट बाहर से चेंज मुझे करना है, मैं दो ब्रैकेट एक ही टाइप के नहीं डाल सकता हूं। तो ठीक है, बस उसका हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा, यहां पे हम करेंगे 106 इंटू 10 तो वो जाएगा मुझे 1060 mm हो गया m स्क्वायर। क्लियर हो गया? प्लस यहां पे कैसे करेंगे 2 2 2 2 11 11 डिवाइड बाय 7 इंटू 40 इंटू 40 हो गया 1600, 4 4 16 हो गया 1600 मीटर स्क्वायर, प्लस 3 3 9 हो गया 900 यहां पे बनेगा, माइनस यहां पे माइनस है, सॉरी हाँ यहां पे माइनस है, 900 एम स्क्वायर। क्लियर हो गया? प्लस यहां से फिर से मल्टीप्लाई हो गया 106 और 0 आएगा ये वाला लास्ट पे, एम एम हो गया एम स्क्वायर, प्लस कसर कटेगी 2 2 2 11 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 40 into 40 हो गया फिर से 1600 एम स्क्वायर माइनस 30 हो गया 900 एम स्क्वायर। क्लियर हो गया? yes, यहां पे अब हम करेंगे काम 1060 एम स्क्वायर प्लस 11 डिवाइड बाय 7 इंटू 1600 से 900 काट दो, तो यहां पे रहेगा मेरा 700 एम स्क्वायर प्लस 1060 एम स्क्वायर ऐसे ही प्लस 11 डिवाइड बाय 7 भी ऐसे ही, इनको फिर से माइनस 1600 से फिर से नाम से काटो, नाम से काटो तो वहां पे फिर से मेरा 700 एम स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो अब हम करेंगे बच्चों काम, इस 700 को यहां पे ये कट जाएगा 7 1 7 7 1 7 7 7 0 0 7 0 0, यहां पे फिर से कटेगा मेरा 7 1 7 7 1 7 7 0 0 7, यानी कि 700 700। क्लियर हो गया? अब मैं करता हूं काम, देखिए बच्चों 1060 एम स्क्वायर प्लस 11 और 100 को मल्टीप्लाई हो गया 1100 एम स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे ही रखेंगे 11 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1060 एम स्क्वायर प्लस 1100 हो गया 1100 एम स्क्वायर। अब सारे को ऐड करेंगे तो कितना हुआ, वो जैसे 11 11 हो गया 2200 को और फिर 160 और 160 4320 m square is the area of the track। बहुत ही आसान है बच्चों, कोई मसला नहीं है, दो रेक्टेंगल है मेरे पास, मैंने इनका अलग भी निकाल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना, इनका आप अलग निकाल सकते हो, फिर दो रिंग्स का बाद में भी आप प्लस करते हो कि मैंने एक ही बार सबका कर दिया। ये क्लियर हो गया? ओके।